हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पुष्कर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेम्परेट साइक्लोन का सेकंड लेक्चर। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था टेम्परेट साइक्लोन के बारे में, जिसके अंदर हमने ये सारे जो सिक्स हेड्स हैं इनके बारे में डिस्कस कर लिया था। सबसे पहले जैसे डेफिनेशन क्या होता है टेम्परेट साइक्लोन का, एटमोस्फेरिक और सर्फेस कंडीशन कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सपांशन कैसा होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है और उनका मूवमेंट कैसे होता है। देखिए, ये जो सिक्स पॉइंट है ना, ये हमारे जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे के तीन पॉइंट है ये मैंने सेपरेट लेक्चर में क्यों डिस्कस किया, क्योंकि ये हमारे जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारी चीजें हमको ज्योग्राफी ऑप्शनल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए मैं इनको सेपरेट डिस्कशन बनाना चाहता था। क्लियर हो गया? अगर हम बात करें एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट की, तो मैंने आपको एक चीज याद करवाई थी या चीज बताई थी लास्ट लेक्चर में, कि जो हमारे साइक्लोन की फॉर्मेशन है ना, ये डायरेक्टली हमारे एसोसिएटेड है फ्रंट की फॉर्मेशन से। मतलब दोनों के बीच इंटरडिपेंडेंस है। मतलब क्या है, फ्रंट अगर फॉर्म नहीं होगा तो हमारे जो साइक्लोन की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो मतलब क्या है कि हमारे साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए, जिसको हम साइक्लोनोजेनेसिस कहते हैं, मतलब देखिए साइक्लोनोजेनेसिस टर्म है ड्राइव हमारे फ्रंटोजेनेसिस से। फ्रंटोजेनेसिस में मैंने क्या बताया था, जब कोई नया जो फ्रंट है वो फॉर्म होता है उसको हम टर्म देते हैं फ्रंटोजेनेसिस। और फ्रंटोलिसिस मतलब क्या होता है, जब हमारा जो फ्रंट है वो मर जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है या एलिमिनेट हो जाता है, उसको कहते हैं फ्रंटोलिसिस। मतलब क्या है कि साइक्लोजेनेसिस का, कि जब कोई नया साइक्लोन फॉर्म होता है तो इसको कहते हैं साइक्लोनोजेनेसिस। देखिए मतलब क्या है कि देखिए, मान लीजिए एक जो साइक्लोन था वो फॉर्म हुआ, उसने अपने मतलब जितना भी डिस्ट्रक्शन करना था वो करा और बन के खत्म हो गया, तो इस पूरी साइकिल को कहते हैं हम लाइफ साइकिल ऑफ साइक्लोन। ये इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पीसेस वगैरह में पूछ लेंगे तो ये भी टर्म जरूर से याद रखना। और ये भी याद रखना कि जो हमारा साइक्लोन है इट इज डायरेक्टली इंटरलिंक टू फ्रंटोजेनेसिस। क्लियर हो गया? फ्रंटोजेनेसिस और फ्रंटोलिसिस, इट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद फ्रंट्स। क्लियर हो गया? अगर हम एवोल्यूशन और डेवलपमेंट की बात करें साइक्लोन की, तो इसको हम सिक्स स्टेजेस में कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं पोलर फ्रंट थ्योरी। ये हमारे, फिर मैं बता रहा हूँ, ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये स्टेजेस हमको ऑप्शनल में अच्छे से पढ़ाई जाती है। पर हम डिस्कस करेंगे कि जो टेम्परेट साइक्लोन है उसके डेवलपमेंट या एवोल्यूशन की कौन सी सिक्स स्टेजेस है। इसको सिक्स स्टेजेस को समझने से पहले आप एक चीज समझिए, याद करिए, मैंने फ्रंट के चैप्टर में आपको चार फ्रंट्स बताए थे, कौन कौन से याद करिए। सबसे पहले मैंने बताया था स्टेशनरी फ्रंट, दूसरा बताया था वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट और ऑक्लूडेड फ्रंट, ये चार ही फ्रंट बताए थे। अब इन्हीं चारों फ्रंट्स को आपको अप्लाई करना है इन सिक्स स्टेजेस में। अब कैसे कैसे होगा मैं आगे बताऊंगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट मैंने क्या बताया था, देखिए मान लीजिए हमारे एक फॉर्म स्टेशनरी फ्रंट में क्या बताया था, मान लीजिए ये हमारे जो दो एयर मास है, जब ये कन्वर्ज करेंगे तो फ्रंट फॉर्म होगा। अब स्टेशनरी फ्रंट के कॉन्टेक्स्ट में क्या था, जब ये दोनों कन्वर्ज करेंगे तो जो हमारा फ्रंट है वो फॉर्म नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ये एक दूसरे को सरपास करके चले जाएंगे। बस यहाँ पे जो थर्मल डिफरेंस है वो देखने के लिए मिलेगा। क्लियर हो गया? अब वही लिखा भी हुआ है, दिस फर्स्ट स्टेज इन्वॉल्व द कन्वर्जेंस ऑफ टू एयर मास कंट्रास्टिंग विद देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डायरेक्शन। मैंने क्या बताया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए। देखिए मान लीजिए ये वार्म है और ये कोल्ड है, जब ये दोनों कन्वर्ज करेंगे तो यहाँ पे थर्मल डिफरेंस देखने मिलेगा और डायरेक्शन भी एक अपोजिंग होना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर डाइवर्ज करेगा डायरेक्शन तो वो कभी मिलेंगे ही नहीं और जो फ्रंट है वो फॉर्म ही नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो ये हमारी पहली स्टेज है, जिसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल स्टेज। ठीक है, क्लियर हो गया, जहाँ पे हमारा स्टेशनरी फ्रंट फॉर्म होता है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, देखिए सेकेंड स्टेज को आप रिलेट करिए, रुकिए कलर चेंज कर लो, सेकेंड स्टेज को आप रिलेट करिए वार्म फ्रंट से। मतलब क्या है कि जब हमारा जो फ्रंट है वो फॉर्म हो जाता है, मान लीजिए अब यहाँ पे ये वार्म विंड आ रही है और ये जो हमारा क्या है, साइक्लोन फॉर्म हो गया। क्लियर हो गया? अब साइक्लोन फॉर्म हो गया है तो जो हमारी वार्म विंड है ये ऊपर की तरफ जाएंगी, ऊपर की तरफ जाके ये क्या करेंगे, क्लाउड फॉर्मेशन। जैसे क्लाउड फॉर्मेशन करेंगी तो वही प्रोसेस याद कर लीजिए, CCCP, मतलब कूलिंग, क्लाउड कंडेंसेशन, क्लाउड फॉर्मेशन और प्रेसिपिटेशन। क्लियर हो गया? और दूसरी स्टेज को हम कहते हैं इंसिपिएंट स्टेज, तो ये भी जरूर से याद रखना है सेकेंड स्टेज का नाम, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली PCS एग्जाम।
ठीक है, मतलब जिसमें क्या होता है, जो हमारी वार्म विंड है वो कोल्ड एयर के ऊपर जाने लग जाती है, क्योंकि कोल्ड एयर तो नीचे रह जाएगी, अब जो वार्म विंड है ये ऊपर जाने लगेगी और अल्टीमेटली जो क्या करेगी, क्लाउड फॉर्मेशन करेगी। और इस ये जरूर से याद रखना, जो वार्म विंड है ये अपने साथ जो ह्यूमिडिटी है वो लेके जाती है, जिसके कारण क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होगा। अब देखिए, याद करिए, अगर वार्म विंड ना हो तो जो हमारी ह्यूमिडिटी नहीं होगी, जब ह्यूमिडिटी नहीं होगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो फिनोमेना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारे एटमोसफेयर में हो ही नहीं पाएगी, और जो बारिश है वो कभी हो ही नहीं पाएगी। क्लियर हो गया? तो हमारे वार्म विंड, हमारी बारिश के लिए जो वार्म विंड है इट इज मस्ट। क्लियर हो गया? अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाने की कोशिश करूँ, ये पहला वाला था, ये हमारा स्टेशनरी फ्रंट था, जिसमें क्या हो रहा है, थर्मल डिफरेंस देखने मिल रहा है, और जो एयर है कंट्रास्टिंग एयर मास कन्वर्ज हो रही है एक तरफ, और ये जो फ्रंट है अभी देखिए उठना चालू नहीं हुआ। सेकेंड स्टेज में क्या है, देखिए जो हमारी वार्म एयर है ये ऊपर जाना स्टार्ट होगी और हमारे यहाँ पे जो फ्रंट है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। जो थर्ड स्टेज है हमारी, इसको कहते हैं मैच्योर स्टेज, जिसमें क्या होता है, हमारा जो साइक्लोन है फुली डेवलप हो जाता है और आइसोबार बिकम ऑलमोस्ट सर्कुलर। अब इसको डायग्राम में पहले दिखाता हूँ, फिर देखिए इसमें क्या है, ये हमारी फुली जो साइक्लोन की फुली डेवलप स्टेज है, थर्ड जहाँ पे सी दे रखा है, जिसमें क्या होता है, आइसोबार फुली सर्कुलर हो जाते हैं और जो हमारा साइक्लोन है फुली डेवलप हो जाता है। ठीक है, अप टू ए स्टेज दिखा हुआ है, साइक्लोन इज फुली डेवलप टू द मैच्योर स्टेज, इसको मैच्योर स्टेज भी कहते हैं। क्लियर हो गया? एनर्जी एंड इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन इज ग्रेटेस्ट एट दिस स्टेज, रेनफॉल इज जनरेटेड इन बाय द निम्बस स्ट्रेटस क्लाउड अलॉन्ग विद द वार्म फ्रंट एंड क्यूमुलोनिम्बस स्टेज क्लाउड जनरेटेड हाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एंड कोल्ड फ्रंट। देखिए इसको याद करिए, इससे इसको रिलेट करिए कोल्ड फ्रंट की कंडीशन से। कोल्ड फ्रंट की कंडीशन मैंने क्या बताई थी, मान लीजिए ये दो अपोजिंग एयर मास है, ये मान लीजिए ये वार्म एयर मास है और ये यहाँ से आ रहा है कोल्ड एयर मास, तो जो हमारा साइक्लोन है कुछ ऐसे बनेगा, जो सॉरी फ्रंट है कुछ ऐसे बनेगा। अब मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जो एंगल है ये थोड़ा बड़ा छोटा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वार्म एयर है बहुत जल्दी जल्दी ऊपर जाएगी, जब बहुत जल्दी जल्दी ऊपर जाएगी जो एयर की कूलिंग है वो भी बहुत जल्दी जल्दी होगी, और जो क्लाउड होंगे वो हमारे कुछ इस तरीके के बनाएंगे। जब मैंने क्लाउड पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था, जब हमारी कूल एयर बहुत जल्दी जल्दी ऊपर जाती है तो हमारे जो क्लाउड है कुछ इस तरीके के बनते हैं। जब हमारे क्लाउड कुछ इस तरीके के बनेंगे तो हमारे जो रेनफॉल है बहुत ज़्यादा हैवी वाली होगी, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगी। क्लियर हो गया? तो जो हमारी मिच्योर या हमारी फुली डेवलप साइक्लोनिक कंडीशन होती है वो हमारी तब होती है जब हमारे इस तरीके के क्लाउड फॉर्म होते हैं। क्लियर हो गया? और जब हमारा जो एंगल होता है वो भी ज़्यादा होती है, जिसको हम किसके नाम से देते हैं, कोल्ड फ्रंट के नाम से जानते हैं। जब हमारा कोल्ड फ्रंट फॉर्म होगा तो जो हमारी मिच्योर स्टेज की जो साइक्लोनिक कंडीशन होगी वो फॉर्म होगी। क्लियर हो गया? फोर्थ स्टेज है हमारा, जिसमें क्या होता है, वार्म सेक्टर ऑफ साइक्लोन इज नैरोड डाउन और द मोर एडवांसमेंट ऑफ द कोल्ड फ्रंट इज वार्म। देखिए अब मैंने आपको याद करवा अभी बताया था कुछ देर पहले कि जो हमारा ऊपर जो एयर जा रही है कौन सी जाती है, वार्म एयर। ठीक है, जब वार्म एयर ऊपर जाएगी तो अपने साथ क्या लेके जाएगी, ह्यूमिडिटी लेके जाएगी, है ना, बहुत ज्यादा नमी लेके जाएगी, और यही नमी आगे जाके क्या कराएगी, बारिश कराएगी। अब इस वाली स्टेज में क्या होता है, फोर्थ स्टेज में, कि जो वार्म एयर है यही हमारी ऊपर जाना बंद हो जाती है, मतलब क्या है कि जो हमारी वार्म एयर है उसको रिप्लेस कर देती है हमारी कोल्ड एयर। देखिए अब मान लीजिए वार्म एयर ही ऊपर नहीं जाएगी तो ह्यूमिडिटी कौन सी एयर लेके जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो रेनफॉल है वो भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो वार्म एयर है यही ऊपर जाके क्या लेके जाती है, ह्यूमिडिटी। तो हमारा फ्रंट का कंडीशन है उसके लिए भी हमारी जो वार्म एयर है वही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो मतलब क्या है कि जो हमारी वार्म एयर है वो कोल्ड एयर के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा रेनफॉल का कंडीशन है वो भी रिप्लेस हो जाता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी वार्म एयर ही लेके जाएगा। लिखा भी हुआ है, एज वार्म फ्रंट डिक्लाइन द एनर्जी रिजर्वॉयर ऑफ साइक्लोन सिस्टम स्टार्ट डिक्लाइनिंग। क्लियर हो गया? दिस इज बिकॉज द वार्म एयर मास इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन का सोर्स एनर्जी क्या है, मैंने आपको अभी बताया, पिछले लेक्चर में बताया था कि जो हमारा वार्म एयर मास है ये हमारा फॉरमोस्ट सोर्स है हमारा टेम्परेट साइक्लोन का। क्लियर हो गया? तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब क्या है कि जो हमारी वार्म एयर है कोल्ड एयर से रिप्लेस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो इंटेंसिटी है टेम्परेट साइक्लोन की डिक्लाइन होती रहती है। देख भी सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, वार्म एयर है कोल्ड एयर से क्या हो रही है, रिप्लेस हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो गया, इनकी जो इंटेंसिटी है ये भी कम होती जा रही है। क्लियर हो गया? चलिए जो फिफ्थ स्टेज है इसको कहते हैं ऑक्लूजन ऑफ साइक्लोन। ऑक्लूजन ऑफ साइक्लोन मतलब क्या है कि याद करिए, मैंने एक फ्रंट पढ़ाया था जिसको कहते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। ऑक्लूडेड फ्रंट में मैंने क्या बताई थी दो स्टेज, इसमें क्या होता है, जो हमारी विंड है ये कम्प्लीटली ऐसे हो जाती है, ये हमारी वार्म है और ये हमारी कोल्ड है। जब हमारा एयर मास
कम्प्लीटली एक दूसरे के ऊपर हो जाता है, मतलब क्या है कि जो साइक्लोन की कंडीशन है बनना बंद हो जाती है, तो इसको कहते हैं हम ओक्लूजन। ओक्लूजन मतलब ही क्या होता है, किसी की डेथ हो जाना, ठीक है। मतलब क्या है कि जब हमारा जो साइक्लोन है उसकी डेथ होने लग जाती है तो इसी को कहते हैं, या डिक्लाइन होने लग जाता है तो इसी को कहते हैं ओक्लूजन ऑफ साइक्लोन। लिखा भी हुआ है, व्हेन द एडवांसिंग ऑफ कोल्ड फ्रंट इज फाइनली ओवरटेक द वार्म फ्रंट एंड एन ओक्लूडेड फ्रंट इज फॉर्म द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एंड विंड फर्दर डिक्लाइन। मतलब क्या है कि जो हमारा जो वार्म और कोल्ड विंड एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो विंड और रेनफॉल की इंटेंसिटी होती है वो भी कम हो जाती है। नेक्स्ट स्टेज है हमारी सिक्स स्टेज, जिसमें क्या होता है, वार्म सेक्टर कम्प्लीटली डिसअपेयर, ओक्लूडेड फ्रंट इज एलिमिनेटेड। इसमें क्या होता है, जो हमारा ऊपर वाला है ये कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाता है, ये रिप्लेस कर दिया जाता है कोल्ड एयर के द्वारा, और जिसके कारण क्या होता है, जो ओक्लूडेड फ्रंट होता है ये वाली कंडीशन होता है कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाती है, ठीक है। कोल्ड एयर मस्ट कवर द सर्फेस एंड अल्टीमेटली साइक्लोन डाइज आउट। मतलब क्या होता है, जो कोल्ड एयर मास है पूरे में फैल जाती है और जो साइक्लोन की कंडीशन है बिल्कुल मर जाती है। क्लियर हो गया? चलिए आप देख भी सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, ओक्लूडेड फ्रंट की कंडीशन फॉर्म होती है। और जो लास्ट वाला स्टेज है उसमें आप देखेंगे कि जो हमारी कोल्ड एयर है उसने पूरा जो एरिया है वो कवर कर लिया, जिसकी यहाँ पे ये जो सिक्स स्टेज है यहाँ पे जो हमारा साइक्लोन है ये कम्प्लीटली मर जाता है। क्लियर हो गया? तो ये स्टेजेस आपको अगर समझ नहीं भी आई है तो भी कोई बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मैंने अपना बेस्ट दिया है समझाने के लिए। आई होप अगर आपको ये समझ आई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आई तो घबराने की बात नहीं है। ये मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, ये हमारे ऑप्शनल में पढ़ाई जाती है ये चीज़ें, बट मेरे हिसाब से ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि बिकॉज क्या होता है, यूपीएससी इज अनप्रडिक्टेबल, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस इट इज़ अनप्रडिक्टेबल। पता नहीं है कि क्या पूछ लें, तो आप एज अ सिंसियर स्टूडेंट आपको सब चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। चलिए अगर प्रिडिक्टिबिलिटी की बात करें तो टेम्परेट साइक्लोन आर रिलेटिवली मोर रेगुलर होते हैं बहुत ज़्यादा, और प्रिडिक्टेबल भी होते हैं कम्पेयर टू ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड प्राइमरीली ऑब्जर्व इन विंटर सीजन। मतलब क्या, टेम्परेट साइक्लोन बहुत ज़्यादा रेगुलर होते हैं, प्रिडिक्टेबल होते हैं कम्पेयर टू ट्रॉपिकल साइक्लोन, और ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करे जाते हैं विंटर में। ये चीज़ आपको लाइन ये लाइन आपके ऊपर से निकल गई होगी क्योंकि अभी तक हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं पढ़े, तो ये चीज़ अगले ये जो लाइन लिखी है ये आपकी नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर होगी जब मैं आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ाऊंगा। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको ये लाइन नहीं समझ आई जब हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कवर कर लेंगे तो ये लाइन आप रिलेट कर पाएंगे। बस अभी के लिए ये याद रख लो कि जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं ये बहुत ज़्यादा रेगुलर होते हैं और प्रिडिक्टेबल भी होते हैं कम्पेयर टू ट्रॉपिकल साइक्लोन, और ये ऑब्जर्व करे जाते हैं हमारे विंटर सीजन में। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये हमारे, जब मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब ये चीज़ डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, बट अभी के लिए ऊपर ऊपर से जान लो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते क्या है। ये डायग्राम देखिए, देखिए ये हमारा है मेडिटेरेनियन से, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारी विंटर्स में जो विंड है ये यहाँ से वेस्टर्लीज जो है हमारे उड़ते उड़ते जो हमारे वेस्टर्न इंडिया है यहाँ पे आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो ठंड में क्या होती है, बारिश होती है हमारे बहुत सारे इलाकों में, जैसे पंजाब हो गया, नॉर्थ राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में, वेस्टर्न यूपी हो गया, इन सारे इलाकों में क्या होता है, बारिश होती है ठंड के टाइम पे, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ठंड होती है बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ जाती है। और इसका एक बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे रबी क्रॉप में, जो इंडिया की रबी क्रॉप है उसमें बहुत ज़्यादा मदद करती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बारिश। देखिए लिखा भी हुआ है वेव साइक्लोन्स, वेव साइक्लोन मतलब क्या है, टेम्परेट साइक्लोन का एक दूसरा नाम भी है, ठीक है, तो ये याद रख सकते हो कि आप वेव साइक्लोन भी टेम्परेट साइक्लोन का एक नाम है, जो ओरिजिनेट होता है मेडिटेरेनियन सी एंड कैस्पियन सी, फ्लो ईस्टवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। क्लियर हो रहा है? दिस साइक्लोन एंटर इनटू नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग विंटर सीजन टू जनरेट स्नोफॉल ऑन हिमालयन माउंटेन रेंज ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। मतलब क्या है कि मैंने क्या बताया अभी आपको, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती है हमारे बहुत सारे इंडियन पार्ट्स में बारिश करवाती है ठंड के टाइम पे, और जो हमारे हिमालयन स्टेट है वहाँ पे जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे क्या करवाती है, स्नोफॉल करवाती है। क्लियर हो गया? और यही चीज़ हमारे जो रबी क्रॉप है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बारिश। क्लियर हो गया? आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया। अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।